आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में जो कि आपको काफ़ी अच्छी एडिक्वेट परफॉर्मेंस ऑफर कर देती है इन अंडर 10 लाख रुपीस इन द इंडियन मार्केट। हालांकि ये एंथुजिएस्ट फोकस्ड व्हीकल्स नहीं है, ये मोर फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल्स रहती है, बट हाँ ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर देती है इन द प्राइस द व्हीकल्स आर ऑफर्ड। तो पहले नंबर पर जो व्हीकल रहती है दैट इज द महिंद्रा XUV 3XO। इसको इंट्रोड्यूस करा गया है इन अप्रैल 2024 यानी कि रिसेंटली ही, एंड इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है फ्रॉम द XUV 3XO जो प्रोड्यूस करता है 109 BHP एट 200 Nm ऑफ टॉर्क एंड इज मेटेड टू अ 6-speed मैनुअल और अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड XUV 3XO आपको देखने को मिलती है विद 4 disc brakes एज स्टैंडर्ड। और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो XUV 3XO में आपको लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन इट सेगमेंट देखने को मिलता है विच ट्रांसलेट्स इनटू अ रूमी कैबिन। अगर मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो उसमें आपको काफ़ी फीचर इक्विपमेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 7-speaker हरमन कार्डन सिस्टम विद अ सबवूफर एंड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, बाकी 10.2 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 65W USB-C चार्जिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे कुछ फीचरलेस देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग इस व्हीकल की स्टार्ट होती है 7.79 लाख रुपीज एक्स शोरूम से। अब बात करूँ सेकेंड व्हीकल के बारे में तो दैट इज़ दी टाटा नेक्सॉन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर SUVs इन द इंडियन मार्केट एंड इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 118 BHP एट 117 Nm ऑफ टॉर्क, विच ऑल्सो मेक्स द टाटा नेक्सॉन द मोस्ट पावरफुल कॉम्पैक्ट SUV इन इट्स सेगमेंट। बाकी ये व्हीकल जो है आपको ऑफर करी जाती है इन 4 different ट्रांसमिशन ऑप्शंस जो कि रहते हैं 5-speed मैनुअल, 6-speed मैनुअल, 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक एंड 6-speed AMT। फीचर लिस्ट वाइज बात करें तो टाटा नेक्सॉन में आपको ट्विन 10.25 इंच के डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं फॉर इंफोटेनमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंफोटेनमेंट में आपको वायरलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड टाटा का आयरा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी एंड अदर फीचर जो रहते हैं वो रहते हैं 360° कैमरा, 9-speaker JBL म्यूजिक सिस्टम एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बाकी नेक्सॉन में आपको देखने को मिल जाते हैं 6 airbags एंड ESP एज स्टैंडर्ड। इस व्हीकल का जो प्राइस है स्टार्ट होता है 8 लाख रुपीज से एक्स शोरूम। थर्ड व्हीकल ऑन द लिस्ट जो रहती है दैट इज द मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये भी काफ़ी अच्छी बिकने वाली व्हीकल रहती है भारतीय मार्केट की एंड इन अप्रैल 2024 इट वॉज द 3rd most सक्सेसफुल व्हीकल। ब्रेजा में आपको ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है दैट प्रोड्यूसेस 102 BHP एट 136.8 Nm ऑफ टॉर्क एंड ये 4-cylinder इंजन रहता है। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर एंड इज मेटेड टू आइदर अ 5-speed मैनुअल और अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। इसकी फीचर लिस्ट भी काफ़ी डिसेंट रहती है जैसे कि सिंगल पेन सनरूफ, 9-inch टच स्क्रीन, अ हेड्सअप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, अरकेमी साउंड सिस्टम, 360° कैमरा एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी 6 airbags, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट एंड ABS विजिबिलिटी एंड ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग इस व्हीकल की स्टार्ट होती है 8.34 लाख रुपीज से एक्स शोरूम। फोर्थ व्हीकल ऑन द लिस्ट जो रहती है दैट इज द निसान मैग्नाइट। निसान ने मैग्नाइट को भी कुछ ही टाइम पहले अपडेट करा, कुछ ही महीनों पहले, एंड इट इज अवेलेबल इन 2 इंजन ऑप्शंस। एक रहता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड एंड एक रहता है 1 लीटर का टर्बो। जो इस लिस्ट में आपको हाईलाइट करके बताने वाला हूँ दैट इज द टर्बो इंजन जो कि 3-cylinder यूनिट रहता है एंड इसमें आपको 99 BHP की पावर देखने को मिल जाती है एट 116 Nm ऑफ टॉर्क। जो टर्बो वेरिएंट है वो 5-speed मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलता है एंड जो 5-speed मैनुअल के साथ फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी दैट विल बी 20 km एज पर क्लेम एंड CVT के साथ रहेगी 17.7 km पर लीटर की। इस व्हीकल में भी आपको फीचरलेस काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है एंड अगर आप टर्बो वेरिएंट्स के लिए ऑप्ट करते हैं मैग्नेट के तो वो 9.19 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं निसान मैग्नेट फेसलिफ्ट की फीचरलेस के बारे में बात करूँ तो सेफ्टी वाइज 6 airbags एज स्टैंडर्ड, 360° कैमरा, ABS विजिबिलिटी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे कुछ फीचर्स देखने मिल जाते हैं। और फीचर जो रहते हैं दैट आर 8-inch का टच स्क्रीन विद एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है एंड साथ ही साथ 4-color एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो डिमिंग IRVM एंड USB Type-C पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। मूविंग ऑन टू द 5th एंड द लास्ट व्हीकल तो वो जो व्हीकल रहती है दैट इज द रेनो ट्राइबर। इवन दो रेनो ट्राइबर एंड निसान मैग्नाइट दोनों सेम ही व्हीकल रहती हैं बट रेनो काइगर का जो प्राइस है इट इज मोर प्रीमियम बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जो काइगर है इट बोस्ट्स अ मोर स्पोर्टी रोड प्रेजेंस। टॉप मॉडल में आपको 7-inch का डिजिटल ड्राइवर कंसोल देखने को मिलता है, 6-speaker अरकेमीज म्यूजिक सिस्टम, 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, लेदर इट फैब्रिक सीट्स, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील एंड क्रूज कंट्रोल विद द टर्बो वर्जन। इसके भी मैं टर्बो वेरिएंट को ही आपको परचेज करने के लिए बोलूंगा तो
काइगर जो है 1 लीटर वाली टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है, जो सेम निसान मैग्नेट वाला पावर आउटपुट देता है आपको, विच इज़ 99 BHP 816 Nm ऑफ टॉर्क एंड इज अवेलेबल विद अ 5-speed मैनुअल और अ CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। प्राइस इसके बेस मॉडल का इन टर्बो स्टार्ट फ्रॉम 9.30 lakh rupees एक्सशोरूम। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो ऑन 5 ऐसी गाड़ियों पे जो कि आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस ऑफर कर देती है इन अंडर 10 lakh rupees इन द इंडियन मार्केट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।